समय आने पर ही सूरज निकलता है, समय आने पर ही रात होती है, समय आने पर ही किसान की फसल पकती है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम समय से पहले ही फल की चिंता करने लगते हैं। संत कबीर का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए तो फल होए। यानी कि धीरे धीरे मेरे मन तू अपना काम करता रहे, क्योंकि धीरे चलने से ही सब कुछ होता है। कोई माली किसी पेड़ में चाहे 100 घड़े पानी डाल दे, लेकिन फिर भी ऋतु आने पर ही फल लगेंगे। लेकिन विडंबना यही है कि सही समय तक सभी लोग इंतजार नहीं कर पाते, और इंतजार नहीं कर पाते इसीलिए असफल हो जाते हैं। जो भी इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, उसे ये समझना चाहिए कि एक जगह ही मिट्टी खोदने से कुआं बनता है और उसी कुएं से पानी निकलता है जो हमारी प्यास बुझाता है। लेकिन धैर्य ना होने के कारण इंसान अलग अलग जगह पर मिट्टी खोदता रहता है और आखिर में परेशान होकर खुद को समझा भी लेता है कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मुझे तो पानी कहीं पर मिला ही नहीं। अगर वो एक जगह ही मिट्टी खोदता रहता तो पानी निकलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती। एक जगह मिट्टी खोदने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप जो कर रहे हैं, आपने जो किया है, जिसमें आपका हुनर है, जो आपने सालों साल सीखा है, उसी पर अपना समय लगाते रहिए। चाहे अभी तक आपको उसमें सफलता नहीं मिली हो, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि अभी आप सफलता के बिल्कुल नजदीक खड़े हैं। अगर अभी आप हार मान गए तो आपको फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, कोई नया काम सीखना पड़ेगा, नया हुनर पैदा करना पड़ेगा, और उसमें फिर से सालों का समय लग जाएगा। अभी तक जो सीखा है, अभी तक जहां पर मेहनत करी है, वहीं पर मेहनत करना जारी रखिए। अगर दरवाजे पर पहुंचकर वापस लौट गए तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे, बाद में हमेशा पश्चाताप करोगे कि दरवाजे पर खड़ा था, थोड़ी सी मेहनत करनी थी, बस एक कदम अंदर रखना था और सफलता मेरे सामने थी, लेकिन दरवाजे से वापस लौट आया। काश थोड़ी सी मेहनत करी होती, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो अंदर प्रवेश कर ही गया था। हिम्मत हारनी थी तो शुरुआत में हारनी थी। जब मंजिल आंखों के सामने होती है तो कभी हार नहीं मानी जाती, बल्कि हौसला और ज्यादा बुलंद किया जाता है। जो लोग समय और धैर्य के सिद्धांत को नहीं समझते हैं, वो जीवन भर अलग अलग कार्य क्षेत्रों में प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं होती। ऐसे लोग अपने जीवन से भटक जाते हैं, आखिर में पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। अगर आप एक ही रास्ते पर मीलों तक आगे बढ़ चुके हो तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता है। अगर आप उस रास्ते से वापस लौटोगे तो फिर से वही मुश्किलें सामने आएंगी, वही कांटे फिर से पैर में लगेंगे, वही तकलीफें फिर से जन्म लेंगी। यही रास्ता आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर रास्ता बदलना था तो शुरुआत में बदलना था, अब कोई चारा नहीं है। लेकिन आज के समय में लोगों में धैर्य बहुत कम बचा है। दूसरों की देखा देखी, दूसरों से प्रभावित होकर इंसान तत्काल सफलता हासिल करना चाहता है, और इसीलिए जल्दी सफल होने के चक्कर में वो अपने जीवन में ऐसे शॉर्टकट्स पकड़ लेता है जो उसे अंधेरी दुनिया में भटका देते हैं, गलत कामों की तरफ उसे धकेल देते हैं, जहां से वापस लौटने का कोई तरीका नहीं होता है। ब्रह्मांड के अखंड नियमों में से एक नियम ये भी है कि समय आने पर ही सब कुछ होता है। इस प्रकृति के नियम को आप हर चीज में पाएंगे, हर वस्तु में पाएंगे, हर काम में पाएंगे। एक बच्चा 9 महीने में ही जन्म लेता है। 9 महीने से पहले अगर कोई बच्चे की अपेक्षा करे तो वो मूर्ख होगा, क्योंकि प्रकृति का विधि विधान समय के अनुसार चलता है। ऋतु आने पर ही फल लगेगा। सुबह होगी तभी धूप निकलेगी, रात होगी तो अंधेरा होगा। आपको नहीं लगता कि प्रकृति के सभी नियम समय के अनुसार ही चलते हैं? तो फिर आप और हम प्रकृति के बाहर कैसे हो सकते हैं? हमारे नियम प्रकृति के नियमों से बड़े कैसे हो सकते हैं? और अगर हम प्रकृति के नियम समझते हैं तो हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि प्रकृति के नियमों के अनुसार समय आने पर ही हम सफल हो पाएंगे? क्यों हम सही समय तक इंतजार नहीं कर पाते? इसका जवाब ये है कि हमें सही समय का पता ही नहीं होता। सुबह का और शाम का तो हमें पता होता है कि किस समय आएगी, लेकिन हमारी सफलता हमें कब मिलेगी उस समय का हमें सही सही पता नहीं होता, और इसीलिए हम उम्मीद हार जाते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं और जीवन में असफल होते चले जाते हैं। ये भी सोचने की बात है कि एक इंसान कितना इंतजार करेगा, 5 साल 10 साल 15 साल, और तब भी उसे सफलता नहीं मिल रही तो उससे ज्यादा इंतजार भला वो क्यों करेगा?
या तो उसे ये पता चल जाए कि उसे 20 साल में सफलता मिल जाएगी, या फिर उसे ये पता चल जाए कि उसे कभी सफलता ही नहीं मिलेगी, तो फिर वो अपना रास्ता बदल सकता है। लेकिन ऐसा तो कभी स्पष्ट नहीं होता है। हमें कितने समय में सफलता मिलेगी ये कभी निश्चित नहीं होता है। जो मनुष्य अपने काम में तल्लीन होकर उस काम को सीख रहा है वो सफलता जल्दी हासिल करेगा, और जो अपने काम को टालता रहता है तो स्वाभाविक सी बात है उसको ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए प्रकृति ने सफल होने के लिए समय की कोई निश्चित इकाई नहीं बनाई, क्योंकि हर मनुष्य के हिसाब से उस समय की अवधि अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो समझदार हैं वो जानते हैं कि कम समय में सफलता कैसे हासिल की जाती है। अगर वो असफल होने का डर और सफल होने का लालच अपने मन से निकाल देते हैं तो ऐसे लोग जल्दी ही अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अपना काम ही ध्यान बन जाता है। और जब हमारा काम ही हमारे लिए ध्यान बन जाता है तो जो चीज हम 10 दिनों में सीख रहे हैं वो हम एक दिन में सीख सकते हैं। लेकिन हम अपने काम को ध्यान क्यों नहीं बना पाते, इसके पीछे का कारण भी जान लेना आवश्यक होता है। हम अपने काम को ध्यान इसीलिए नहीं बना पाते क्योंकि हर काम के पीछे या तो हमारा लालच जुड़ा होता है या फिर कोई डर जुड़ा होता है। कुल मिलाकर ये समझिए कि हम उस कर्म के फल को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर हम उस कर्म के फल की चिंता अपने मन से निकाल दें और सिर्फ अपना ध्यान उस कर्म पर ही लगाएं तो सफलता मिलना निश्चित हो जाता है। लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में कुछ समय बिताने के बाद ही इंसान का मन दुखी हो जाता है। वो परेशान हो जाता है कि सफलता तो मिल नहीं रही तो मैं क्यों मेहनत करूं, अपना रास्ता ही बदल देता हूं। और एक बार अगर मन को भटकने का रास्ता मिल जाता है तो वो हमेशा भटकता रहेगा। आप एक काम को छोड़कर दूसरे काम को शुरू करेंगे तो उसमें भी आपका मन भटक जाएगा, क्योंकि आपके मन की प्रवृत्ति भटकने की हो गई है। आपने एक जगह पर समय लगाकर धैर्य रखकर मेहनत करने का सोचा ही नहीं, उसका अभ्यास ही नहीं किया। इसीलिए आपका धैर्य, आपका पेशेंस इतना कमजोर हो गया कि वो किसी भी काम पर ज्यादा समय तक मेहनत नहीं करना चाहता। आपने ही अपने मन को इतनी आजादी दी है। अगर आपने अपने मन के बचने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी होती तो आपका मन आपके अनुसार काम कर रहा होता। लेकिन आप अपने मन के वशीभूत होकर अपने रास्ते बदल लेते हैं और इसीलिए आपका मन भटकना सीख जाता है, और वो आपका कहना नहीं मानता बल्कि आप खुद अपने मन के गुलाम हो जाते हैं। ये गुलामी की जंजीरें मरने तक आपका साथ नहीं छोड़ती और आप अपनी आदतों के गुलाम होते चले जाते हैं। कुछ लोग उसे आलस्य का नाम दे देते हैं, लेकिन आलस्य यहीं से जन्म लेता है जब हमारे मन को बचने के लिए जगह मिल जाती है। मन को बच निकलने के लिए एक इंच भी जगह मत दो, एक भी बहाना उसका काम ना कर पाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करो। क्योंकि मन का काम हमेशा आपको भटकाना रहा है। जो चीज मन को हासिल हो गई वो व्यर्थ हो जाती है, और जो नहीं मिली उसके लिए मन तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता है। मन का स्वभाव एक जगह ठहरना है ही नहीं, वो पानी की तरह बहता रहता है। लेकिन अगर हम अपने मन को समझने का प्रयास करें तो हम उस पानी के बहाव के साथ बहते चले जा सकते हैं। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। मन को समझने के बाद आप अपने मन के मालिक हो जाते हैं, और एक बार मन के मालिक बनने के बाद आप अपने मन से जो चाहे वो काम करा सकते हैं। और मन को समझने के लिए सिर्फ एक सूत्र याद रखिए कि समय आने पर सब कुछ होता है। अगर आपका मन पेशेंस या धैर्य रखना सीख जाता है तो आप अपने मन को समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि धैर्य और प्रतीक्षा ही मन के ताले की चाबी हैं। मन को जल्दबाजी में समझा ही नहीं जा सकता। ये इत्मीनान का काम है, ये ध्यान का काम है। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपके मन का धैर्य बढ़ना शुरू होता है। आप एक ही जगह पर बहुत देर तक केंद्रित रह सकते हैं, और इसीलिए आप अपने मन की गतिविधियों को समझना शुरू कर देते हैं। आपका मन जल्दबाजी की वजह से इधर उधर भागना बंद कर देता है, और उसके बाद आपके मन के ताले की चाबी उसे खोलना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने मन को समझना शुरू करते हैं वैसे वैसे आप पाते हैं कि मन के नीचे तो खजाने दबे हुए थे। आपको अपनी अद्भुत शक्तियां पता चलेंगी जो शायद ही आपने कभी महसूस की हों। लेकिन जोर जबरदस्ती से बिल्कुल नहीं होगा, प्रेम से होगा, धैर्य से होगा, प्रतीक्षा से होगा। इसीलिए सफलता पानी है तो धैर्य और प्रतीक्षा रखें, और अपने मन को समझने का लगातार ध्यान के द्वारा प्रयास करते रहें। उसके बाद सफलता आपकी होगी, उसके बाद आनंद भी आपका होगा, और उसके बाद आप होश में रहकर दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना भी सीख सकते हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और फिर भी अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना।